जय हिंद साथियों, जितने सारे हमारे प्यारे भाई और बहन वीडियो को देख रहे हैं, बिहार पुलिस 21,391 पदों की तैयारी में जुटे तमाम अभ्यर्थी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। बार बार यह प्रश्न आ रहा है क्योंकि काफी बच्चे ग्राउंड में उतर गए हैं, प्रैक्टिस में लग गए हैं और काफी लोग आज भी शक में संदेह में है कि आखिरकार हमारा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। हालांकि जो ग्राउंड में है वो भी संदेह में रहते हैं क्योंकि स्टूडेंट जब तक आपका अपना फाइनल रिजल्ट पीडीएफ में जब आता है तब तक देख नहीं ले पाता है, तब तक कहीं ना कहीं मन में थोड़ी सी संशय तो रहती ही रहती है। लेकिन बात करेंगे आज बिहार पुलिस 21,391 पदों की जो भर्ती है, बिहार पुलिस कांस्टेबल पदों 21,391 पदों की जो ये भर्ती है, बिहार की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है। इसमें बात करेंगे हाई जंप कौन सा रहेगा क्योंकि ये प्रश्न बार बार आ रहे हैं बच्चों का कि सर क्या टाइगर जंप इस बार दिया जाएगा। साथियों इससे एक दो पहले की भर्तियों के बारे में बात करेंगे, जो दरोगा भर्ती होगी जो कि इसका बोर्ड अलग है दरोगा का, उसका बीपीएसएससी है। वही बात करें बिहार पुलिस कांस्टेबल की तो इसका बोर्ड है सीएसबीसी। सीएसबीसी ने भी एक ऐसी भर्ती आई थी मद निषेध की जिसमें कि गादा नहीं दिया था, बालू दिया था। उस समय से ये चर्चाएं तेज हो गई थी कि टाइगर लगता है कि इसमें भी बैन होगा। हालांकि दरोगा की बात करें तो 2446 में सुमित कुमार चेयरमैन थे बीपीएसएससी के, उन्होंने टाइगर जंप को बैन किया था 2446 में और गद्दे के जगह बालू रखी और बोला कि आप एक पैरों की जंपिंग करें। तो साथियों आपको जानकारी दे दूं, बता दूं कि एक पैरों की जंपिंग वही वैल्यू रहेगी, उसी के वैलिड रहेगा। एक पैरों की जंपिंग में आपका सीजर होता है, बेली होता है, स्ट्रेट जंपिंग होता है, आप ये कर सकते हैं। टाइगर जंप होता है जो दोनों पैर के सहारे से होता है, इसलिए उन्होंने इसको बैन किया था। अब उसके बाद की भर्ती में क्या हुआ, बाद की भर्ती बिहार दरोगा 22-13 पदों की थी। फिर से एक बार बताना चाहेंगे कि दरोगा का बोर्ड अलग है और बिहार पुलिस का बोर्ड अलग है। तो उसमें बीएस कॉलेज दानापुर में भर्ती हुई, बालू काफी दिया गया, बहुत सारे बच्चे टाइगर भी मारे बालू पे, सीजन प्रैक्टिस हालांकि पहले से उन लोगों के मन में था 2446 भर्ती को देखते हुए कि भाई बालू देगा गद्दा देगा नहीं, इससे प्रैक्टिस उसमार की है। लेकिन बात करें 1275 पदों की भर्ती में तो हर दिन गर्दनी बाज थे, शुरू से दिन से लेकर अंतिम दिन तक, और गद्दा भी था और टाइगर जंप भी था। तो ये कहना अपने मन से कुछ भी ये कहीं ना कहीं गलत साबित हो सकता है, यानी कहने का तात्पर्य है कि ये बोर्ड के ऊपर और बोर्ड के चेयरमैन के ऊपर निर्भर करता है। तो अब बात करते हैं बिहार पुलिस भर्ती के बारे में। 11,880 पदों की भर्ती में हमने भी टाइगर जंप किया, 84 से 15 में टाइगर जंप था। एक भर्ती बीच में आती है मद निषेध की, जिसमें कि उसका भी एक वीडियो वायरल हुआ था काफी, क्योंकि उसमें गद्दा हटा दिया गया था और बालू दिया गया था, बालू रेत, और उसमें जंप करना था, उसमें भी एक टाइगर जंप का वीडियो वायरल हुआ था। तो बहुत सारे लड़के प्रैक्टिस कम किए थे कि इस बार गद्दा नहीं रहेगा बालू रहेगा, और बालू ही दिया और इस वजह से काफी कटअप कम भी गया था। साथियों बात करें बिहार पुलिस 21,391 पदों की भर्ती में, तो देखिए पहला चीज कि हम अपना अनुमान ही लगा सकते हैं, अपना अनुमान ही बता सकते हैं, ये दावे के साथ अभी नहीं कह सकते हैं कि ये होगा, ये लेगा कि नहीं लेगा। लेकिन हाँ इतना जरूर भरोसा है, इतना जरूर विश्वास है अपने शब्दों पर, अपनी बातों पर, अपनी जानकारी पे कि जो भी जानकारी दी जाएगी वो आपके हित में होगी। कभी आपको गलत जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे माध्यम से नहीं दी जा सकती है। इसलिए मैं आप सभी को ये जरूर कहूंगा कि यदि आप टाइगर जंप कर रहे हैं या अभी सीखने की कोशिश में है कि अब सीखेंगे टाइगर जंप, तो कर सकते हैं। हमको उम्मीद है, भरोसा है कि बोर्ड गद्दा देगा, जब गद्दा देगा तो टाइगर जंप कोई भी जंप आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी चेयरमैन साहब दूसरे हैं। तो इसलिए हमारा ये ओपिनियन है, हमारा ये मत है, हमको जहां तक लगता है हमने अपनी बातों को रखा है।
और इस वजह से हम बच्चों को टाइगर जंप भी करा रहे हैं, सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। इसलिए आप सभी से मैं बोलना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि आप कोई भी जंप कर सकते हैं, आप कोई भी जंप कर सकते हैं। हाँ, आने वाले दिनों में, आने वाले समय में यदि ऐसी कोई जानकारी मिलती है कि टाइगर जंप इस भर्ती में भी नहीं लेगा, तो इतना तो जरूर भरोसा रखिएगा, इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको जानकारी यही भाई देगा कि भाई टाइगर रहेगा कि नहीं रहेगा, गद्दा रहेगा कि नहीं रहेगा, कि बालू पे जंप करना है कि गद्दा पे जंप करना है, इतना जरूर भरोसा रखिएगा। जो काफी दिनों से फॉलो करते हैं वो जानते होंगे, इसलिए ये विश्वास रखिएगा आप सभी कि आपका भाई आपके विश्वास को टूटने नहीं देगा। इसलिए आप दुनिया के किसी कोने में रहते हैं, बिहार समेत अन्य राज्यों से आप बिलोंग करते हैं, आप जहां रहते हैं, जिस भी गांव कस्बे में आप रहते हैं, जहां आपकी सुविधा होती है, आप वहां तैयारी करिए और आप टाइगर जंप भी कर सकते हैं, स्ट्रेट जंपिंग भी करिए, सीजर बेली जो आपको आसान लगता है आप कर सकते हैं। इसलिए ये बातें और ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण था। बाकी और कोई भी डाउट और कोई भी बात पूछनी हो तो आप जरूर कॉमेंट करें, कोशिश रहेगी उस पे एक वीडियो बनाए और उस कंफ्यूजन को दूर करें। तो साथियों, जो ये प्रश्न बार बार आ रहा था हाई जंप कौन सा रहेगा, तो सारे लगभग, ये हमारा मत है, फिर से एक बार बोलूंगा, हमको लगता है ऐसा कि सारे जंप अलाउ रहेंगे, क्योंकि अभी तो रोका की भर्ती बीती है, आप देखेंगे सारा जंप अलाउ था, इसलिए आप बिल्कुल मेन मुद्दा जाता है एक ही जंप पे, वो टाइगर जंप पे, क्योंकि सीखने और करने में और ज्यादा अंक उठाना है, हाई जंप में 25 उठाना है, कम से कम 21 उठाना है, 4-8 जंप करना है, तो टाइगर थोड़ी सी आसान हो जाती है सीखने में, करने में, स्कोर करने में। इसलिए बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर जंप कौन सा रहेगा। तो साथियों, हमने अपने मत को रखा है, बाकी आप जहां भी रहते हैं खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।